नमस्कार मेरे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि बहुत ही अल्प नोटिस में आपको मैं सूचना दे रहा हूं। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त वैट कम करने की गारंटी पर राज्य सरकार के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि इन 90 दिनों में हमारे द्वारा वित्त विभाग एवं इनकी आंतरिक कमेटी के समक्ष हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए और 2018 की जो बिक्री थी वो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि सबसे लंबा हाईवे, सबसे बड़ा प्रदेश तथा गंगानगर हनुमानगढ़ में आज भी प्रदेश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, यही स्थिति हमारे धौलपुर व अन्य साथियों की है। इसी प्रकार हमारे जालोर जिले और सिलौई जिले के पंप बंद हो चुके हुए हैं और कुछ बंद होने के कगार पे वर्तमान में राजस्थान में 57% बंद होने के कगार पे। इसके लिए हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है, कल सुबह 6 बजे से 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम किसी भी प्रकार का उत्पाद न तो क्रय करेंगे न ही हम विक्रय करेंगे। जो जिले प्रभावित है वो मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे। साथ ही हम दिनांक 11 को दोपहर 12 बजे के लगभग हम स्टैचू सर्किल से सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों मांगों को ओर, जिसमें मुख्य मांग वैट और दूसरी मांग हमारा डीलर कमीशन जो पिछले 7 वर्षों से नहीं बढ़ा है, के लिए कूच करेंगे। इसमें हमें आपका सहयोग अपेक्षित है और जनता को होने वाली असुविधा के लिए हम सदैव माफी चाहेंगे और हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कृपया आप इसमें हमारा सहयोग प्रदान करें।